भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 9 फरवरी से शुरू होने वाले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए इंतजार खत्म होने वाला है। कल से शुरू होने वाली इस सीरीज के लिए दोनों टीमें तैयार हो गई। मैच से पहले दोनों टीमों के कप्तानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आईसीसी ने ताजा रैंकिंग जारी कर दी है। हार्दिक पांड्या T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आ गए। अर्शदीप सिंह ने भी 8 पायदान की छलांग लगाई है। T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शुभमन गिल ने भी रिकॉर्ड छलांग लगाई है। वो पहले टॉप 100 की लिस्ट में भी नहीं थे और अब 30वें नंबर पर पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज शुरू होने से पहले कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित ने नागपुर पिच, प्लेइंग 11, ऋषभ पंत को लेकर तमाम सवालों के जवाब दिए। रोहित ने कहा, हमारा फोकस क्रिकेट पर है, ना कि पिच पर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज 9 फरवरी से शुरू हो रही है। ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान पैट कमिंस ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में नागपुर की पिच को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की और बताया कि जोश हेजलवुड और स्टार्क पहला मैच नहीं खेलेंगे। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ये मुकाबला इंग्लैंड के द ओवल मैदान में 7 से 11 जून के बीच खेला जाएगा। बारिश होने पर 12 जून का दिन रिजर्व डे के रूप में रखा गया है। टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका की मौजूदा स्थिति के अनुसार फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने सामने हो सकती हैं। कपिल देव ने ऋषभ पंत को लेकर बड़ा बयान दिया है। कपिल देव ने कहा कि मैं पंत से बहुत प्यार करता हूं। जब वो ठीक हो जाएंगे तो मैं पंत को एक थप्पड़ मारूंगा, क्योंकि मुझे उसका ख्याल है और उसकी चोट ने पूरा संतुलन बिगाड़ दिया है। आईसीसी ने भारत के 2 खिलाड़ियों को पुरुषों की कैटेगरी में जनवरी महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नामित किया है। शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज को आईसीसी ने इस अवार्ड के लिए नामित किया है। दोनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन जनवरी में शानदार रहा है। इनके अलावा पुरुषों में न्यूजीलैंड के डेविन कॉनवे तीसरे दावेदार हैं। महिला आईपीएल का पहला चरण 4 से 26 मार्च के बीच खेला जाएगा। इसमें कुल 5 टीमें हिस्सा लेंगी, जो 13 फरवरी को होने वाले ऑक्शन में बेस्ट खिलाड़ियों को अपनी टीम का हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे। ऑक्शन के लिए बीसीसीआई ने कुल 409 क्रिकेटर्स की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है।